हरभजन सिंह ने सोमवार को कहा कि आजकल बच्चे ग्राउंड में कम और मोबाइल में अधिक गेम खेलते हैं। जरूरत है ग्राउंड में आकर खेलने की, तभी देश का भविष्य स्वस्थ और उज्जवल होगा। हरभजन सिंह पठानकोट के प्रताप वर्ल्ड स्कूल में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। वे पठानकोट में इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी का शुभारंभ करने आए थे। स्कूल चेयरमैन प्रभात भूषण, डायरेक्टर विशाल महाजन, डायरेक्टर सनी महाजन, प्रिंसिपल शुभा ने हरभजन सिंह का स्वागत किया। हरभजन सिंह ने कहा, अकादमी इसलिए महत्वपूर्ण है कि पठानकोट पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का हब जिला है। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में उनकी 7 अकादमी चल रही हैं। पठानकोट दे विच एक अकादमी खुली है और प्रताप वर्ल्ड स्कूल दे विच खुली, जो अपने आप दे विच एक रिनॉन्ड नाम है, उन्होंने नाल असीं जुड़े हैं। लोड नहीं है। And we are very happy to be associated with you, sir. And thank you for giving us the opportunity. And we'll try our best to make sure we do our best for the talent to come out and to achieve their goals. So, sir, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट। जी। तो यहाँ पे आने का कैसे मन बना आपका? वही मैंने बताया कि यहाँ अकेडमी खोली है हमने, मेरे जो HSIC के नाम से चलती हैं अकेडमी, तो उनकी एक अकेडमी हमने यहाँ खोली है, क्योंकि छोटे सेंटर्स में नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है बच्चों को खेलने के लिए। टैलेंट बहुत है, भर भर के टैलेंट है पूरे भारत में, पर कोशिश यही है कि उन जगहों पे जाएं जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाहे ना भी हो, बट ऐसे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े जो स्पोर्ट्स को तवज्जो दें, आगे रखें और कुछ बच्चों के लिए करना चाहें। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि एकेडमी यहाँ पे खुली है और आई एम श्योर यहाँ के बच्चों के लिए कि एक नई जो ट्रेनिंग है, कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो लेके यहाँ पे आएंगे और उनको कोशिश करेंगे सिखाने की हमारे जो कोचेज हैं कि कैसे क्रिकेट में आगे बढ़ना है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में एक भी अकेडमी नहीं है, जिसके चलते पठानकोट उन्हें सही लगा। वहीं प्रताप वर्ल्ड स्कूल में 4 एकड़ का ग्राउंड, क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए बढ़िया मशीनें उपलब्ध हैं, जिससे खिलाड़ियों को अधिक तकनीकी सीखने को मिलती है। इसके अलावा प्रताप वर्ल्ड में पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पठानकोट से न्यूज के लिए सुखजिंदर कुमार की रिपोर्ट।